आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधी जानकारी देने वाला चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वर्षा ऋतु में होने वाली समस्याओं या बीमारियों तथा उसके इलाज और दवाओं के बारे में। बारिश के मौसम में प्रायः सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, स्किन की एलर्जी, कान में दर्द, टॉन्सिलाइटिस, इस प्रकार की मौसमी समस्याएं या मौसमी संक्रमण होता है। वायरल इन्फेक्शन फैलता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैलता है, कभी कभी कुछ लोगों को स्किन में एलर्जी की शिकायत होती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी समस्याओं या इन सभी मौसमी समस्याओं को दूर करने वाली आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में, उनकी मात्रा तथा प्रयोग विधि के बारे में। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप मुझसे किसी भी बीमारी के संबंध में दवा संबंधी इलाज चाहते हो तो इस दिए गए नंबर पर मात्र 250 रुपये परामर्श शुल्क जमा करके फिर अपनी समस्या मुझे बताकर मुझसे दवा संबंधी सलाह ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के विषय को और जानते हैं मौसमी बीमारियों और उनके उपचार के बारे में। बारिश के मौसम में कई लोग अन्य मौसमों की तुलना में जल्दी बीमार पड़ते हैं या जल्दी संक्रमण की चपेट में आते हैं, और इसमें से अधिकांश बीमारियां वायरल इन्फेक्शन के कारण होती हैं। और ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि गर्मी के बाद बारिश लगते ही तापमान में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है, जिससे जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है वे लोग जल्दी संक्रमित होते हैं। इसके अलावा जिन लोग बारिश में भीग जाते हैं या बहुत देर तक गीले कपड़ों में रहते हैं, उन लोगों में भी इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा होता है। और बारिश के समय बच्चे, बूढ़े या जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है वे लोग इससे जल्दी पीड़ित होते हैं। इसी प्रकार बरसात के समय बाहर का खाना, ठंडा खाना या बासी खाना या प्रदूषित खाना खाने से भी लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। इसके अलावा गंदा पानी, प्रदूषित पानी पीने से भी लोग मौसमी संक्रमण की चपेट में जल्दी आते हैं। और बारिश के समय पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान नहीं रखने से भी कई प्रकार की बीमारी फैलती है, जैसे कि बारिश के समय में बिना हाथ धोए खाना खाने से इन्फेक्शन फैलने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रकार इस समय में साफ सफाई नहीं रखने से खुजली, दांत खाज इत्यादि की समस्या भी होती है। और इन सब के अलावा बारिश के मौसम में बैक्टीरिया और वायरस के पनपने का माहौल ज़्यादा अनुकूल होता है, इसलिए इस वर्षा ऋतु के समय में संक्रमण ज़्यादा होता है, लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। तो इस प्रकार इन सभी कारणों से बारिश के मौसम में बीमारी ज़्यादा होती है। और आइए अब जानते हैं बारिश के मौसम में होने वाली कॉमन बीमारियों और उसके लक्षण के बारे में। बारिश के दौरान होने वाली मौसमी संक्रमण में वायरल इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन होता है, और इसके लक्षण ये हो सकते हैं: नाक का बंद होना या नाक का लगातार बहते रहना, नाक से लगातार पानी निकलते रहना, आँखों में लगातार पानी निकलते रहना, आँखों में जलन और दर्द होना, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार का होना, सिर दर्द, हाथ पैर दर्द, बदन दर्द, गले में दर्द, सूजन, गले में खराश का होना, कुछ भी बोलने में तकलीफ होना, या पानी या कुछ भी खाना खाने में या निगलने में तकलीफ होना, टॉन्सिलाइटिस का होना, पेट में दर्द होना, पेट में मरोड़ होना, उल्टी होना, दस्त होना, कान में दर्द होना, कान में से पानी निकलना, और स्किन से संबंधित समस्याएं जैसे कि एलर्जी की समस्या, पूरे शरीर में चकत्ते या दाने होना या खुजली की समस्या होना, ये सभी समस्याएं बारिश में अधिकांश रूप से होती हैं। और कुछ लोग बारिश के मौसम में पानी कम पीते हैं, इसलिए कुछ लोगों में डिहाइड्रेशन की समस्या भी होती है। अतः इस प्रकार इन कारणों से बारिश के मौसम में बीमार पड़ने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, और जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है वे लोग अक्सर जल्दी बीमार पड़ते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बारिश के मौसम में हम कैसे स्वस्थ और सुरक्षित रहें तथा बीमारियों से दूर रह सकते हैं, बीमारियों को जल्दी ठीक करके अपने शरीर को कैसे निरोगी और स्वस्थ रख सकते हैं। बारिश के मौसम में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अपने खान पान, एक्सरसाइज और कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग करके हम अपनी इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि बारिश के मौसम में इन बीमारियों से बचने के लिए हमें कौन कौन सी आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग करना चाहिए। मौसमी संक्रमण से बचने के लिए तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए गिलोय सबसे बढ़िया होता है। गिलोय घनवटी के रूप में या अमृता रिष्ट के रूप में उपयोग करके हम अपने शरीर को
बीमारियों से बचा सकते हैं। यह गिलोय एंटीवायरल तथा एंटीपायरेटिक होता है, यानी कि किसी भी प्रकार के वायरल इन्फेक्शन में तथा किसी भी प्रकार के बुखार को दूर करने में गिलोय सबसे बढ़िया गुणकारी और उपयोगी होता है। गिलोय घनवटी को आवश्यकता अनुसार एक एक या दो दो गोली की मात्रा में सुबह और रात में ले सकते हैं। इसी प्रकार अमृतारिष्ट, जिसका कि मुख्य घटक गिलोय होता है, इसको सुबह शाम 10 से 15 ml की मात्रा में बराबर मात्रा में या एक कप पानी गुनगुना पानी में मिलाकर इसे सुबह और रात में भोजन के बाद में लेने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा मौसमी बीमारियाँ जल्दी ठीक होती हैं। इसी प्रकार साधारण सर्दी खांसी जुकाम, इनको दूर करने के लिए हम सीतोपलादी चूर्ण या त्रिकटु चूर्ण का उपयोग कर सकते हैं। मिश्री, एला, दालचीनी और कुछ अन्य औषधियों को मिलाकर सीतोपलादी चूर्ण बनाया जाता है और इसी प्रकार सौंठ, मरीच और पिपली, इन तीनों को मिलाकर त्रिकटु चूर्ण का निर्माण किया जाता है। ये दोनों ही दवाइयाँ मौसमी सर्दी खांसी और हल्का बुखार को दूर करने में उपयोगी होती हैं और मौसमी संक्रमण के कारण सर्दी खांसी, हल्का सिर दर्द, हाथ पैर दर्द और खाना खाने की इच्छा न होना, इन सभी समस्याओं को ये दोनों दवाइयों को लेकर दूर किया जा सकता है। सीतोपलादी या त्रिकटु चूर्ण, इन दोनों में से किसी एक चूर्ण को लेकर 2 ग्राम की मात्रा में लेकर तथा उसमें शहद मिलाकर इसे सुबह और रात में लेना चाहिए। और इसी प्रकार हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए तथा शरीर को हृष्ट पुष्ट रखने के लिए अश्वगंधा चूर्ण का भी प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा चूर्ण को 2 ग्राम की मात्रा में सुबह और रात में गुनगुना दूध के साथ मिलाकर लेना उचित होता है, या हम अश्वगंधा रिष्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इसे 10 से 15 ml की मात्रा में समान मात्रा में पानी मिलाकर सुबह और रात में भोजन के पश्चात लेना चाहिए। और इन सभी दवाइयों के अलावा अलग अलग कंपनियों की अलग अलग पेटेंट दवाइयाँ, जैसे कि इम्यूनोसिन, यह गुफिक कंपनी की दवा है, यह भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इसी प्रकार चरक कंपनी की एक्स्ट्रा इम्यून इस टैबलेट को लेकर तथा हिमालय कंपनी की सेप्टिलिन, इन दवाओं में से किसी एक दवा को सुबह और रात में आवश्यकतानुसार 1 से 2 गोली की मात्रा में लेकर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं, जिससे हम मौसमी बीमारियों को जल्दी दूर कर सकते हैं या उनके संक्रमण से बचे रह सकते हैं। तो इस प्रकार इन सभी दवाइयों का उपयोग करके हम अपने रोगों की रोकथाम कर सकते हैं, मौसमी संक्रमण से अपने आप को बचा सकते हैं। और इसके अलावा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हम अपने दैनिक दिनचर्या में, अपने खान पान में बदलाव करके तथा अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यायाम या किसी भी प्रकार के फिजिकल एक्सरसाइज को शामिल करने से भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहता है। और इसके अलावा कम से कम बारिश के मौसम में हम अपने खान पान की आदतों में बदलाव करके अपनी इम्यूनिटी को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि बारिश के मौसम में बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। बाहर के होटल वगैरह का खाना, स्ट्रीट फूड और दुकानों में मिलने वाला जूस, इन सभी का उपयोग बारिश के मौसम में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा बारिश में घर का बना खाना ही खाना चाहिए तथा घर में भी शुद्ध, ताज़ा, पौष्टिक भोजन करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए। बारिश के दिनों में बासी खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। और अपने खाने में खट्टे फल, यानी कि जिनमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर हो, ऐसे फलों का सेवन करना चाहिए। और बारिश के दिनों में भी ज़्यादा नॉनवेज खाने से बचना चाहिए। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो भी भाजी या पत्तेदार सब्जियों के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। और बारिश के दिनों में शहद का सेवन करना हमारे लिए फायदेमंद होता है। रोज़ 1 चम्मच या 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम शहद का सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है। और इसी प्रकार बारिश के दिनों में लाइट एक्सरसाइज, यानी कि हल्का व्यायाम करना चाहिए। सुबह कम से कम 15 से 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक अगर हम किसी भी प्रकार का फिजिकल वर्कआउट करें, लेकिन यह वर्कआउट ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। हल्का वर्कआउट करके भी हम अपने शरीर को चुस्त दुरुस्त और फिट रख सकते हैं। और इस मौसम में हाइजीन का ख्याल विशेष रूप से रखना चाहिए। बारिश में ज़्यादा देर तक भीगने से बचना चाहिए, ज़्यादा देर तक गीले कपड़ों में नहीं रहना चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हम दांत खाज या स्किन इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो इस प्रकार हम इन छोटे छोटे उपायों को अपना कर बारिश के मौसम में अपने आप को निरोगी और सुरक्षित रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।